अगर आप $100 अ डे सीपीए मार्केटिंग से अर्न करना चाहते हो तो आज की वीडियो में हम इसी हिडन मेथड को शेयर करेंगे। और सीपीए मार्केटिंग का ये बिल्कुल यूनिक और एडवांस मेथड है जिसमें आपको केवल फ्री एआई टूल चैट जीपीटी और अमेज़न को यूज करना है। और वीडियो के एंड में हम एक सुपर एडवांस मेथड को बताएंगे जिससे आप सीपीए मार्केटिंग के साथ साथ $100 डेली की एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर लेंगे, जिससे मेरी भी अर्निंग हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हो, सीपीए मार्केटिंग एक अमेजिंग टेक्निक है फ्री ट्रैफिक से इनकम जनरेट करने का। और आज की वीडियो को देखने के बाद आप भी सीपीएम मेथड के साथ साथ फ्री ट्रैफिक से भी पैसे अर्न करना स्टार्ट कर लोगे। और स्क्रीन पे आप मेरे अर्निंग को भी देख सकते हो। राइट साइड में सीपीएम मार्केटिंग की अर्निंग और कमीशन शो हो रही है जो $3600 की है और ये पूरे महीने की अर्निंग है। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे $3500 की अर्निंग शो हो रही है जो केवल फ्री ट्रैफिक से हमने अर्न किया है। और ये पूरा काम आप अपने फोन में कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप ऐसी अर्निंग जल्दी से कैसे अर्न कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट को फाइंड करना है जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा हो। और कैसे पता करना है मार्केट में डिमांड ज्यादा है या कम है, ये वीडियो में हम आगे बताएंगे। प्रोडक्ट को फाइंड करने के बाद दूसरे स्टेप में आपको उस प्रोडक्ट को अमेज़न पे सर्च करना है और देखना है कि वो प्रोडक्ट अमेज़न पे अवेलेबल है या नहीं। और उसके बाद चैट जीपीटी को यूज करके आपको एक अट्रैक्टिव आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल को लिखने के बाद आपको इस आर्टिकल को कुछ वेबसाइट्स पे पब्लिश करना है और आपका आर्टिकल ही आपको डबल इनकम जनरेट करके देगा। आप सीपीए मेथड से अर्निंग तो करेंगे ही, साथ में जो आर्टिकल आपने पब्लिश किया है और उस पे जो ट्रैफिक आएगा उस ट्रैफिक से भी आप $100 एक दिन की अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। हमें कैसे पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट पर कितना ज्यादा डिमांड है और कैसे हम डिमांडिंग प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको एक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल को यूज करना होगा जिसका नाम AI पावर्ड SEO कीवर्ड आइडियाज है। ये टूल आपको किसी भी कीवर्ड पे कितने ज्यादा सर्च वॉल्यूम आ रहे हैं वो आपको बता देगा और किस कंट्री से आ रहे हैं ये भी आपको बता देगा। किसी भी प्रोडक्ट पे ज्यादा सर्च वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट डिमांड में है, और किसी प्रोडक्ट पे सर्च वॉल्यूम कम है तो वो जाहिर सी बात है डिमांड में नहीं है। और यहाँ पे आपको एक्सप्लोर का एक सेक्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे उस कीवर्ड को ऐड करना है जिस कीवर्ड से रिलेटेड आप सीपी मार्केटिंग करना चाहते हैं। हम यहाँ पे एक कीवर्ड ऐड कर रहे हैं कार गैजेट से रिलेटेड। आप जैसे इस पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे कीवर्ड और भी मिल जाएंगे जिसके सर्च वॉल्यूम और डिफिकल्टी लेवल सो होंगे। आपको यहाँ से कुछ अच्छे कीवर्ड को फाइंड करना है जिसपे सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और डिफिकल्टी लेवल लो हो। और यहाँ पे आप एक कीवर्ड देख सकते हैं कूल एसेसरीज फॉर कार। यहाँ पे आप 6600 की सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन या डिफिकल्टी लेवल भी लो है, तो हम इस कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद अब अमेज़न पे आना है। अमेज़न पे आने के बाद आपको बेस्ट सेलर की एक कैटेगरी मिलेगी। आप जब उसको स्क्रॉल करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज मिलेंगे। आप जिस भी कैटेगरीज में काम करना चाहते हैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे कार गैजेट से रिलेटेड कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं तो हमें उस कैटेगरी को सर्च करना है जो ऑटोमोटिव कैटेगरी में मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमोटिव कैटेगरी में बहुत सारे कार से रिलेटेड गैजेट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ से आपको कुछ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप उस प्रोडक्ट का रेटिंग जरूर चेक कीजिएगा। अगर रेटिंग बहुत ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट पॉपुलर भी है, और कीवर्ड रिसर्च टूल से आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट कितना ज्यादा पॉपुलर है। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको चैट जीपीटी को ओपन करना है और अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल को राइट करवाना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं चैट जीपीटी पे एक अमेजिंग आर्टिकल कैसे राइट करते हैं। चैट जीपीटी के सर्च बार में हमें एक प्रॉम्प्ट को टाइप करना है, जनरेट एंड आउटलाइन अबाउट 3 कूल एसेसरीज फॉर कार, क्योंकि हमने 3 प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है इसलिए हम यहाँ पे 3 कूल एसेसरीज फॉर कार के टाइप के आर्टिकल को राइट करेंगे। और चैट जीपीटी आपके लिए एक अट्रैक्टिव आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये जो आर्टिकल लिखा है यहाँ पे हम अपने अमेज़न वाले प्रोडक्ट को ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे वायरलेस चार्जर है तो हमें उसको नहीं सेल करना है, जिस भी प्रोडक्ट को हमने रिसर्च करके ओपन किया है हमें उसी को यहाँ पे ऐड करना है। अब हमें चैट जीपीटी को स्क्रॉल डाउन करना है और इसके सर्च बार में एक और प्रॉम्प्ट को टाइप करना है, राइट एन इंट्रोडक्शन द एसेसरीज टू बी डिस्कस्ड आर कार ट्रेस कैन, मतलब जिस प्रोडक्ट को हमने अमेज़न पे सेलेक्ट किया है उसके टाइटल को कॉपी करना है और उसके आगे यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, और चैट जीपीटी आपका एक अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन टाइप करके दे देगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको अपने आर्टिकल में प्रोडक्ट के ओवरव्यू को राइट करना होता है, और ओवरव्यू को राइट करने के लिए आपको अमेज़न पे आना है और अपने प्रोडक्ट को ओपन करना है। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अबाउट दिस आइटम का सेक्शन मिलेगा, आपको इसको पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जाके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना है और चैट जीपीटी आपके लिए एक अट्रैक्टिव ओवरव्यू राइट करना स्टार्ट कर देगा। और यही प्रोसेस आपको हर बार रिपीट करना है आप जितने भी कैटेगरीज में काम करना चाहते हैं या जितने भी प्रोडक्ट के आर्टिकल को राइट करना चाहते हैं। आर्टिकल को राइट करने के बाद हमें इस आर्टिकल को पब्लिश करना होगा
और ऐसे वेबसाइट पे पब्लिश करना होगा जहां से हमें रेगुलर ट्रैफिक मिल सके और उस वेबसाइट पे भी डेली का अच्छा खासा विजिटर आने चाहिए। तो इसके लिए हम दो वेबसाइट को यूज करेंगे, पहला है vocal.com और दूसरा है medium.com। ये दोनों अमेरिकन वेबसाइट हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव यूजर डेली आते हैं। हम इन दोनों वेबसाइट को इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि जब भी आप इन दोनों वेबसाइट पे अपने आर्टिकल को पब्लिश करेंगे और इन वेबसाइट्स पे मिलियंस में एक्टिव यूजर पर डे आते हैं तो वो आपके आर्टिकल को देखेंगे और जब भी आपके आर्टिकल पे कोई विजिटर विजिट करेगा तो ये वेबसाइट आपको पेमेंट करेंगी और जब कोई आर्टिकल पढ़ेगा वहाँ पे आपका एफिलिएट लिंक ऐड होगा और उससे कोई परचेज करेगा तो आप अमेज़न से भी पैसे अर्न करेंगे, यानी आप सीपीए मेथड से भी अर्न करेंगे और आपके आर्टिकल पे जब कोई विजिट करेगा तो वहां से भी आप अर्निंग जनरेट करेंगे। यानी जब भी आप इस काम को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक साथ दो इनकम स्ट्रीम होंगे, आप डबल इनकम जनरेट कर सकते हैं और इन्हीं मेथड से हम दो टाइप के अर्निंग जनरेट करते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं वोकल वेबसाइट पे कैसे अपने आर्टिकल को पब्लिश करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है और उसके बाद टॉप पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट स्टोरी, आपको इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एक टाइटल, सब टाइटल और प्रोडक्ट के कुछ इमेजेस होना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं आप कहां से इन सारी चीजों को लेंगे। टाइटल के लिए आप चैट जीपीटी पे वापस आएंगे और स्टार्टिंग में आपने जो प्रॉम्प्ट यहां पे डाला है जनरेट एन आर्टिकल अबाउट 3 कूल एसेसरीज फॉर कार, हमारा टाइटल हमें इसी में मिल गया। जैसे 3 कूल एसेसरीज फॉर कार, हम इसी को अपना टाइटल बनाएंगे तो हमें इसको कॉपी करके वेबसाइट पे पेस्ट कर देना है। और अगर आपको आपका टाइटल चैट जीपीटी पे नहीं मिल रहा है तो आपको फर्स्ट कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में जब हमने बताया था उसी कीवर्ड रिसर्च टूल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक्सप्लोर के बगल में एक आइडियाज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव टाइटल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक विच का ऑप्शन है, विच कार एसेसरीज टू बाई, कार विद द मोस्ट गैजेट्स, मतलब इस टाइप के बहुत ही अट्रैक्टिव टाइटल यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको कॉपी करके अपने टाइटल वाले सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। टाइटल को ऐड करने के बाद अब आपको चाहिए एक अट्रैक्टिव सबटाइटल। सबटाइटल को ऐड करने के लिए आपको वापस से चैट जीपीटी पे आना है और सर्च बार वाले ऑप्शन में जाके एक प्रॉम्प्ट को ऐड करना है, राइट अ सबटाइटल फॉर द इंट्रोडक्शन यू राइट। तो ये आपके प्रीवियस जितने आपने सर्चेस किया उसके अकॉर्डिंग एक अट्रैक्टिव सबटाइटल जनरेट करके देगा। यहां से आपको अपने सबटाइटल को कॉपी करना है और वेबसाइट पे ले जाके पेस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि आपका सबटाइटल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, एनहांसिंग कार क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन विद प्रैक्टिकल एसेसरीज। और अब आपको चैट जीपीटी पे वापस आना है और पूरे आर्टिकल को कॉपी करना है, कॉपी करके आपको वेबसाइट पे पेस्ट करना है। कॉपी करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप जितने भी आर्टिकल को कॉपी करेंगे वो ऑर्डर वाइज होने चाहिए। जैसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और उसके बाद आपके प्रोडक्ट का ओवरव्यू होना चाहिए और उसके बाद आपके प्रोडक्ट का कंक्लूजन होना चाहिए। आपने चैट जीपीटी पे सारे प्रॉम्प्ट को डाल के जनरेट किया हुआ है, बस आपको कॉपी करके लाके यहाँ पे पेस्ट करना है और आर्टिकल के बीच में और आर्टिकल के लास्ट में आपको कॉल टू एक्शन का बटन जरूर से ऐड करना है। कॉल टू एक्शन में आपको लिखना है क्लिक टू गेट योर कार ट्रेस क्लीन नाउ। जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो अमेज़न के वेबसाइट पे चला जाएगा और वहां से कोई परचेज करता है तो वो आपको सीपीए मार्केटिंग के थ्रू पैसे अर्न होंगे। कॉल टू एक्शन को ऐड करने के बाद उसको हाईलाइट करना है और उसमें अपने एफिलिएट लिंक को पेस्ट करना है। अब आपको अपने आर्टिकल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बस एक चीज की कमी है, वो है पिक्चर्स की। पिक्चर्स के लिए आपको अमेज़न पे जाना है, जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने सारे डिस्क्रिप्शन को ऐड किया हुआ है आपको उसके इमेज को डाउनलोड कर लेना है और अपने वेबसाइट पे जाके अपलोड कर देना है। और इस पूरे प्रोसेस को आपको डेली बेसिस पे काम करना है। यहाँ पे कोशिश करना है आप 5 से 6 आर्टिकल पर डे पब्लिश करें, इसके लिए आपको सिर्फ 10-5 मिनट का ही टाइम लगेगा। आप जितने ज्यादा आर्टिकल को पब्लिश करेंगे वेबसाइट के एल्गोरिथम आपको उतने ऊपर पोस्ट करेंगे और उतना ही ज्यादा ट्रैफिक आपके आर्टिकल पे आएगा। इस तरीके से आप डबल इनकम जनरेट कर सकते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को आपको medium.com वाले वेबसाइट पे भी करना है। आपने चैट जीपीटी पे जो भी आर्टिकल राइट किया हुआ है आपको वहां से कॉपी करके medium.com पे भी सेम फॉर्मेट है आप वहां पे जाके पब्लिश करना है। और आप फिर से मेरे अर्निंग को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं vocal.com वेबसाइट से हमें लास्ट 30 डेज में 930,000 के लगभग ट्रैफिक मिला है और उस ट्रैफिक से हमने $3,500 की अर्निंग जनरेट की है। और उसके बगल में आप हमारे अमेज़न कमीशन को भी देख सकते हैं कि हमें टोटल कितने ऑर्डर मिले, कितने शिफ्ट हुए और कितने रिटर्न हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।